किशोर कुमार ने अनुपम खेर को कैसी डांट लगा दी थी, जानते हैं म्यूजिकल मजेदार किस्सा। हिंदी सिनेमा के बिंदास एक्टर अनुपम खेर अपने बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं। वह अपनी गलतियों के बारे में भी बात करने में संकोच नहीं करते। अखबार और फिल्मी पत्रिकाओं में प्रकाशित खबरों के मुताबिक एक टीवी चैनल के शो में अनुपम खेर ने बताया था कि वे लीजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के काफ़ी बड़े फैन हैं, लेकिन किशोर दा के साथ उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किशोर कुमार ने सबके सामने उन्हें डांट लगा दी थी। अनुपम खेर ने बताया कि उन्हें फिल्म मिस्टर इंडिया गाना जिंदगी की यही रीत है बहुत पसंद है और वह किशोर कुमार को यह गाना लाइव गाते सुनने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। जब अनुपम खेर किशोर दा के पास पहुँचे उस वक्त वह अपने गायकी की प्रैक्टिस कर रहे थे। अनुपम खेर ने आगे बताया कि प्रैक्टिस के दौरान किशोर कुमार जिंदगी की यही रीत है को अलग सुर में गा रहे थे। यह देखकर अनुपम खेर अपने आप को रोक नहीं सके और उन्होंने किशोर कुमार को टोक दिया और कहा कि आप गलत गा रहे, जिस पर उनके संगीतकारों की टीम कुछ कहती उससे पहले ही किशोर कुमार ने अनुपम खेर से पूछ लिया कि वह कहना क्या चाहते हैं। अनुपम खेर ने कहा कि वह गाने को कुछ अलग गा रहे हैं, जिस पर किशोर कुमार काफ़ी नाराज हो गए और उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दे डाला जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अनुपम खेर ने बताया, किशोर कुमार ने मुझसे पूछा कि असली गाना किसने गाया है, मैंने कहा आपने। फिर वो पूछते हैं और अभी कौन गा रहा है, मैंने कहा आप। जिस पर वे कहते हैं तो आपके बाप का क्या जाता है। खैर उस वक्त अनुपम खेर की हालत क्या हुई होगी यह तो आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन जब शो में उन्होंने इस घटना को सुनाया तो हर कोई हंस पड़ा।